टैग गाड़ी का खजाना जो चैनल है उसपे वीडियो सिर्फ गाड़ी से रिलेटेड आती है, सिर्फ गाड़ी के बारे में बात चलती है। वीडियो जो है सुपर डुपर और लुपर होने वाली है। तो आज सबसे इम्पोर्टेंट क्या है ना, गाड़ी खरीदना आना चाहिए भाई, बुरा मत मानना, सबको आता है। बट सीन क्या है ना, बहुत सारी चीजें होती है। जैसे सबसे पहले ये गाड़ी में मैंने ये चेक किया कि गाड़ी का मैन्युफैक्चरिंग डेट कब का है, और जैसे ही मुझे पता चला कि गाड़ी का मैन्युफैक्चरिंग डेट 6 महीने पुराना है, मतलब 6 महीने से ज्यादा हुआ है। जब मैं गाड़ी परचेस करने किया तो मैंने पूछा, भैया मेरे को गाड़ी कौन सी दोगे, गाड़ी कौन सी अलॉट करोगे, तो मुझे पता चला ये गाड़ी है। तो मैंने उसका पहले चेचेस नंबर नोट कर लिया। चेचेस नंबर के बाद मैंने उसको पूछा, भला इसका मैन्युफैक्चरिंग डेट दिखाओ कहाँ लिखा है। बोले सर ऑन पेपर आ जाएगा। अरे मैंने बोला भाई दिखा, तब आगे बात बनेगी। मैन्युफैक्चरिंग डेट जब देखा तब पता चला कि गाड़ी को 6 महीने के ऊपर मैन्युफैक्चरिंग हुआ है, 1 महीना ऊपर हो गया था मैन्युफैक्चरिंग करके। जैसे ही मैन्युफैक्चरिंग 6 महीने से ऊपर हो गया, वैसे उसको बोला भैया इसके 1,00,000 रुपए बनते, कम करना। अरे नहीं नहीं सर, बोले इतना पॉसिबल नहीं। मैंने बोला ये गाड़ी नहीं चाहिए, दूसरी गाड़ी परचेस कर लो आप, क्योंकि 6 महीने अगर ज्यादा हो गए वो गाड़ी को आप परचेस कर रहे हो मैन्युफैक्चरिंग डेट से, तो फिर एक तो गाड़ी में प्राइसिंग कम होगी। तो उसने बोला कि सर मैं आपको 40,000 का डिस्काउंट देता हूं। बोला नहीं चाहिए तेरा डिस्काउंट भाई, मेरे को मैन्युफैक्चरिंग डेट चाहिए, वो भी 6 महीने के अंदर वाली, मेरे को दूसरी गाड़ी अलॉट दे, अलॉटेड कर, लेकिन ये गाड़ी नहीं चाहिए। और देगा ये गाड़ी तो कम से कम 1,00,000 रुपए माइनस होना। आखिर उसने मुझे दूसरी गाड़ी दिया। दूसरी गाड़ी जब लिया तो उसमें मैंने फिर दूसरी गाड़ी, मतलब ये वाली लिया, ठीक है, ये 6 महीने के अंदर का था मैन्युफैक्चरिंग डेट। तो सबको आपको पता चल गया होगा मैन्युफैक्चरिंग डेट चेक करना है। दूसरा जो है, जो जहां जिस शोरूम से आप गाड़ी परचेस करते हो उस शोरूम से आपको ये पता करना है कि वहां पर उस शोरूम का जो ब्रांच मैनेजर बैठता है, उस ब्रांच मैनेजर को बोलना है भैया ब्रांच का डिस्काउंट दिलवाओ। तो गाड़ी पे डिस्काउंट 25,000 से 30,000 40,000 का वैसे भी मिलता है, हर गाड़ी में मिलता है भाई साहब, हुंडई की गाड़ी में भी मिल जाता है। ब्रांच का डिस्काउंट मैंने मांगा उसको, ब्रांच का डिस्काउंट ले लिया और ब्रांच का डिस्काउंट मिला 40,000। मैंने बोला 40,000 ये, 25,000 वो जो गाड़ी के अंदर डिस्काउंट मिलता है वो, 40, 50, 60, 65,000 मिल गया। 65,000 के बाद में मैंने बोला गाड़ी का मुझे पीडीआई करना है। अब पीडीआई में एक चीज हमेशा याद रखिए दोस्तों, कि जब हम गाड़ी का पीडीआई करते हैं तो गाड़ी परचेस करने के पहले, अगर आप लोन ले रहे हैं तो लोन का पैसा जाने के पहले पीडीआई करना, खुद पीडीआई करना। पीडीआई का मतलब क्या होता, पीडीआई का मतलब ये होता कि गाड़ी को आप हर एक जगह से चेक करेंगे गाड़ी के ऊपर एक हल्का सा भी स्क्रैच ना होवे। जैसे हम मोबाइल परचेस करते भाई, तो मोबाइल पे हल्का सा भी स्क्रैच होगा तो आप लोगे क्या मोबाइल, नहीं लोगे ना। वैसी गाड़ी है, हम इतने 1,00,000 रुपए की गाड़ी खर्चा कर रहे हैं, इतने 1,00,000 रुपए खर्चा कर रहे हैं, 8, 9, 10 लाख रुपए खर्चा करके जब गाड़ी परचेस कर रहे हैं, तो गाड़ी में हल्का सा भी अगर स्क्रैच होगा तो गाड़ी नहीं लेना भाई। और अगर लोगे वही गाड़ी और मिल रही है वो गाड़ी, तो भैया बोलना इसका पैसा बनता है, कम करो। ये है पैसे बचाने की कुछ तरकीबें। उसके साथ साथ और भी 2-3 तरकीबें हैं जिससे गाड़ी का पैसा और कम करा सकते हैं आप। ये पता कीजिए कि गाड़ी के टायर में या फिर गाड़ी में जो वो फीचर्स दे रहे हैं वो क्या क्या फीचर्स दे रहे हैं। जैसे आपको पता चला कि गाड़ी में क्रूज कंट्रोल है, अब ये गाड़ी में जो है क्रूज कंट्रोल वगैरह सब कुछ है, ठीक है। अब क्रूज कंट्रोल कैसे होता, आप जब गाड़ी परचेस करो ना, मेरे बोलने का बस इतना सा पर्पज है कि आप गाड़ी जब परचेस करो, पीडीआई जब करो, हर एक बटन काम करती है या नहीं करती है वो एक बार जरूर चेक करो। ऐसा नहीं कि क्रूज कंट्रोल हाँ दिया है, अरे भैया वो काम करता है कि नहीं, चला के दिखाओ, पता करो। और हाँ, और एक चीज है, अगर आपको और डिस्काउंट लेना है गाड़ी के अंदर, तो गाड़ी आप जब नई परचेस कर रहे हो ना, तो 100 किलोमीटर के आसपास गाड़ी अगर चली है तो कोई दिक्कत नहीं। 100 किलोमीटर के यदि ऊपर चली है गाड़ी, नई गाड़ी आप परचेस कर रहे हो और 100 किलोमीटर के ऊपर चली है, तो उसको बोलो कि क्यों चली है, उसका रीजन दे। अगर उसका रीजन वो सही से दे पाता है तो ठीक है, अगर नहीं दे पा रहा है या फिर आपको वो रीजन नहीं पट रहा है, तो उसको बोलना भैया पैसा कम करो इसका, गाड़ी इतनी क्यों चली है। भैया गाड़ी कैसा है ना दादा, स्टॉक मार्केट, स्टॉक से स्टॉक, उनका जो स्टॉक यार्ड होगा, स्टॉक यार्ड से लेकर आपके शोरूम तक गाड़ी आएगी चलेगी, ओके नो डाउट। लेकिन 100 किलोमीटर चल रही है भाई, 100 किलोमीटर चल रही है वो भी ठीक है, उसके ऊपर चल रही है यदि 150 चल रही है, 140 चल रही है, तो पूछो भैया क्यों चल रही है इतनी, क्यों चलाए आपने ये गाड़ी। तो यहां पर अगर वो 100 किलोमीटर से ऊपर गाड़ी चलती है तो उसको बोलो पैसे कम करना है आपको, ये चीज है। तो पैसा कैसे बचाना मैंने ये भी बता दिया।
गाड़ी के फीचर्स क्या है, गाड़ी कैसी दिखती है, वो सारी चीजें आप लोगों को खुद भी दूसरे वीडियो से आप देख चुके होंगे। मैं फिर भी वहां पे एक डिटेल वीडियो तो इसका दूंगा ही, लेकिन ये इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहा हूँ जहां से आप लोगों को ये समझ में आए गाड़ी परचेस करते वक्त हम कौन कौन सी चीजों का ध्यान रखें, और वो बहुत जरूरी है। इस गाड़ी का एवरेज बताती है कंपनी कि 19 का एवरेज देगी, माइलेज 19 का देगी, लेकिन वो विथ एसी देगी विदाउट एसी देगी भाई, वो कोई नहीं बताता। पूछो ना यार, पूछो कि विथ एसी देगी विदाउट एसी देगी, वो भी गड़बड़ा जाता है, सोच में पड़ जाता है भैया क्या बोलूं कस्टमर को। अब ये गाड़ी मैं खुद चला के देख रहा हूँ। अब मैंने इसका क्रूज कंट्रोल एक्टिवेट किया हुआ है, आप देख सकते हैं क्रूज कंट्रोल जब एक्टिवेट करके चला रहा हूँ गाड़ी को, मतलब गाड़ी एक सीमित एक ही लेवल पे चल रही है, मतलब एक ही, अब जैसा 80 के नीचे 74 पे मैंने लॉक किया है, लिखा हुआ है यहाँ पर क्रूज 74, मतलब इसका मतलब मैंने क्रूज कंट्रोल एक्टिवेट करके रखा है, जो कि ये बटन है, ये है क्रूज कंट्रोल का बटन, इसको आप एक बार दबाइए, इसको ओके कीजिए और सेट कर दीजिए, ये सेट हो जाएगा। अब मैंने इसको 74 पे सेट किया है, 74 आपको दिख रहा होगा, 74 पे जब मैंने इसको लॉक किया है तो गाड़ी 74 किलोमीटर के हिसाब से ही चलेगी, अब ना एक रुपया ऊपर चलेगी ना एक पॉइंट नीचे चलेगी। अब मैं इसको चला रहा हूँ लंबे टूर पे, तो गाड़ी ऐसे से एवरेज ज्यादा देती है, वो भी फुल एसी में चला रहा हूँ सर्विस ऑफ गाड़ी, और बहुत मजा है गाड़ी चलाने का। ये गाड़ी मुझे बहुत प्यारी थी, मैं बहुत पहले से ये गाड़ी प्लान कर रहा था, बट बहुत सारी चीजें रहती है, गाड़ी डीले डीले चल रही थी, मैंने फिर भी ये गाड़ी खरीदी। बहुत सारी मार्केट में नई गाड़ी आई हुई है, एक्सटर्ड भी आई हुई है, लेकिन फिर भी मुझे वो गाड़ी में कोई दिलचस्पी नहीं है। ये गाड़ी का बूट साइड से लेकर ये गाड़ी का जो एवरेज है, ये गाड़ी जिस हिसाब से चलती है, इसका आप व्हील रोटेशन एक बार देखेंगे ना भाई, बहुत सॉफ्ट है, बहुत प्यारा है, और मुझे ये गाड़ी पर्सनली बहुत ज्यादा पसंद है, बहुत पहले से पसंद है। फाइनली मैंने ये गाड़ी लिया, मुझे कोई और दूसरी गाड़ी नहीं चाहिए था, मैंने इसीलिए गाड़ी लिया। तो ऐसा कोई बहुत सारी चीजें मैं वैसे भी ये डिटेल वीडियो में कवर करने की कोशिश करूंगा। फिलहाल तो हम नागपुर से जा रहे हैं जबलपुर, और फिर जबलपुर से आएंगे नागपुर वापस, और हम आपको बताएंगे कि टोटल आप ये गाड़ी ने मुझे माइलेज कितना दिया कंपनी क्लेम। तो भाई अभी अभी हम आ चुके हैं, ठीक है, जबलपुर से लेकर नागपुर तक का सफर काफी थका देने वाला था, क्योंकि गाड़ी ड्राइव करने वाला मैं अकेला ही हूं, तो इस वजह से 600 किलोमीटर का रन एक ही दिन में जाकर वापस आ जाना थोड़ा सा कठिन हो जाता है, ठीक है। तो गाड़ी जो है वो 19 का कंपनी क्लेम करती है गाड़ी में, ठीक है, लेकिन मुझे जो एवरेज पता चला है गाड़ी का, मैंने जो एग्जैक्ट जो एवरेज निकाला गाड़ी का, मुझे 22 का एवरेज मिला है, 22.25 का एवरेज लगभग पड़ता है, लेकिन आप 22 का एवरेज पकड़ के चलिए, या तो ये मान लीजिए कि गाड़ी नहीं है, या तो ये मान लीजिए कि गाड़ी चलाने वाला ही ओके है, ठीक है। तो आप अगर खुद अकेले हो गाड़ी चलाने वाले और आप स्पीड एक जैसी मेंटेन करके चलते हो, क्रूज कंट्रोल से अगर आप गाड़ी चलाते हो, क्रूज कंट्रोल ज़्यादातर यूज करके, तो क्रूज कंट्रोल से मैंने ज़्यादातर गाड़ी चलाई है, क्योंकि लंबा टूर था, रोड पूरा खाली था, एक बटन दबा दो, जिस किसी एक 80 के नीचे अगर आप जितना सेट करके चलोगे ना सर, तो आपको गाड़ी अच्छा एवरेज देगी, ठीक है। बहुत ज़्यादा क्लच और ब्रेक का यूसेज नहीं, लेकिन फुल एसी पे मैंने गाड़ी चलाई हुई है, 22 का एवरेज मुझे गाड़ी का मिला है। ये हो गई एवरेज की बात। दूसरी बात जो है, ये वीडियो पे मैंने आप लोगों को क्लियर किया है, और एक दो चीजें रहेगी थी वो क्लियर कर देता हूं। जैसे इंश्योरेंस, जब आप नई गाड़ी परचेस कर रहे हैं ना, तो इंश्योरेंस में जरूर देखिए। अगर इंश्योरेंस में बहुत सारी चीजें कैसी है ना, मान लीजिए कि गाड़ी परचेस करते वक्त 65,000 वो इंश्योरेंस का आपको पैसा पे करने लगा रहा है, ठीक है। तो अगर आप यही इंश्योरेंस पॉलिसी बाजार से ले लो या और कहीं से ले लो जहां से आपको पड़ता है, तो यही 65,000 की चीज 35,000 में आ जाएगी, सेम बेनिफिट विथ सेम टेन्योर तक का पॉलिसी, ठीक है, गाड़ी का, वो भी उसमें जीरो डिप भी आ जाता है, थर्ड पार्टी भी आ जाता है, ठीक है। तो ये चीजें हैं जहां पर आप पैसा बचा सकते हैं। दूसरी चीज, गाड़ी के ऊपर कोई भी क्रैच है या नहीं, गाड़ी रीपेंट है या नहीं है, गाड़ी के मिरर पे भी हल्का सा पेंट किया है या नहीं किया है, वो सारी चीजें एक बार देखो, अगर वो चीजें मिलती है उसमें पैसा कम कराओ। ये है गाड़ी में पैसा कम करने की टेक्निक्स जो मैंने यूज किया, और मैंने भी अपना पैसा बचाया। मैंने गाड़ी में पैसा बचाया 1,10,000, क्लियर कट बताता हूँ आपको, 1,10,000 मैंने गाड़ी में पैसा बचाया है। गाड़ी है 9,30,000 की, और मैंने पैसा बचाया 1,20,000। तो 1,20,000 रुपये मैंने खुद गाड़ी में पैसा बचाया हुआ है। आप खुद बचा सकते हैं यही टर्की भी यूज करके। कुछ उसमें बहुत सारी चीजें हैं, थोड़ा इधर उधर फोन लगाने पड़ते, ब्रांच का डिस्काउंट लेना पड़ता भाई, थोड़ी तब्दीश करनी पड़ती, कई बार तो ऐसा करना पड़ता कि गाड़ी बुक करना, सब कुछ करना,
उसके बाद बोल देना भैया गाड़ी नहीं चाहिए। क्यों नहीं चाहिए भैया? डिस्काउंट नहीं जम रहा, इतने में मेरा बजट ही नहीं है। मैं ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों को डीपी 65,000 दे सकता हूँ, 40,000 दे सकता हूँ, वॉट एवर आप जो बोलो, है ना। उस हिसाब से उसको सेट करो, वो जरूर आपको डिस्काउंट निकाल के देगा। और फिर ये देखो पैसा कहाँ बचा है भैया, ऐसा ना होने पाए जो जरूरी चीज़ें थी वही कट गई, ऐसा नहीं होने को होना है ना। गाड़ी में बहुत सारी चीज़ें आती है, जब गाड़ी आप नहीं लेते हो ना तो दो साल का प्लास्टिक भी अगर टूट गया ना गाड़ी का एक हल्का सा, उसका भी वारंटी गारंटी मिलता है, वो भी चेंज किया जा सकता है। ऐसा ना हो कि वो डिस्काउंट लेने के चक्कर में वही काट दे रहा, तो भैया वो चीज़ें भी मैटर करती है, वो चीज़ें ध्यान रखना, ठीक है। हमेशा की तरह वीडियो में जितनी जानकारी बेस्ट थी जो मैंने खुद की है, वो बेस्ट जानकारी आपको निकाल के दिया हूँ। वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताना, और भाई आप लोगों का प्यार देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो में कमेंट ज़रूर करना भाई, कमेंट का हमेशा से इंतज़ार करते रहो, आप लोगों के कमेंट ही मुझे बहुत दिलासा दिलाते हैं कि हाँ मैं कर रहा हूँ कुछ ना कुछ अच्छा कर रहा हूँ, ठीक है। तो थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्टिंग मी, थैंक यू सो मच, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सपोर्ट।